तैयार हो जाइए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका ध्यान, रेडी। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें दिख रही संख्याओं के अनुसार इनको एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर्स मेंशन्ड इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए चार मीनार, बी पंचतंत्र, सी हजार द्वारी, डी छत्तीसगढ़। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी हजार द्वारी, फिर आता है डी छत्तीसगढ़, फिर आता है बी पंचतंत्र और अंत में ए चार मीनार। ये है सही क्रम, सी डी बी ए। सी डी बी ए में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय 20। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बंटी नाम आपका बहुत सुंदर है। यस सर, धन्यवाद। बंटी जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बहुत देवियां संजना मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, बंटी वाडिवा। यस सर, वाडिवा सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर, बंटी वाडिवा। ये असाड़ी मध्य प्रदेश से हैं। यस सर। ये असाड़ी एक आपके जहाँ रहते हैं गांव है, क्या है ये? सर असाड़ी जो है नदियों का मायका और अपना हरदेव प्रदेश कहा जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है सर। जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर गोंड लोग रहते हैं। वहाँ से हैं आप? यस सर। तो बंटी जी आप करते क्या हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो ग्रुप 4 और ग्रुप 3 जो परीक्षाएं होती है सर उनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी करेंगे? यस सर। ऐसा ही क्यों सोचा आपने? सर सरकारी नौकरी जो है एक छोटे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों से कि सर कहा जाता है कि परिवार का एक सदस्य अगर सक्सेस हो जाता है तो पूरी फैमिली अपने आप में सुधर जाती है। जैसे कि मान लो क्योंकि सर अपने पीछे भाई बहन भी है वो भी शिक्षित हो जाएंगे। और सर एक कहावत भी है गाँव में, ये कहावत नहीं एक सच है कि सर एक व्यक्ति अगर मान लो जॉब लग जाता है तो आने वाली 3 पीढ़ियां सुधर जाती है सर। ऑलराइट बंटी जी, अपने साथ में आप किसे लाए हैं? हाँ सर मैं अपने पापा जी को लाया हूँ मैं। अच्छा, प्रणाम करता हूँ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र पे। जी सर। आप भी चाहते हैं कि ये सरकारी नौकरी करें? क्या करेंगे सर, अपन तो खेती कर रहे हैं सर, माफ करना। नहीं नहीं, उसमें माफी की क्या बात है, खेती करना कोई छोटा काम थोड़े ना, अन्नदाता है आप देश भर के। सही बात, सही बात है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी। जब सिलेक्शन हुआ तब पापा जी को मैंने बताया कि केबीसी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें मान सम्मान मिलता है और अपने ज्ञान के माध्यम से धनराशि जीतने का मौका मिलता है। तो सर ये सब जान के पापा जी बहुत खुश हुए। और सर पापा जी जो है आपके बारे में सिर्फ सुने भर थे क्योंकि टीवी वगैरह में देखे नहीं थे आपके फिल्में वगैरह। मेरे घर में टीवी नहीं है ना सर। यस सर। तो आपने कैसे जाना कि केबीसी एक कार्यक्रम होता है? हाँ सर, मैं 2013-14 से मैं परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दिया था और शुरू करते करते मोबाइल भी आ गया था कुछ सालों बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आया था मोबाइल। तो नॉलेज ठीक ठाक था और पढ़ने का शौक अच्छा था। तो ऐसे मोबाइल चलाते चले एक दिन मैं यूट्यूब पे देखा, अरे ऐसा कुछ नॉलेज वाला कुछ कार्यक्रम आता है टीवी पे, इसमें पैसे भी जीतने का मौका मिलता है। तो इसमें पढ़ने का जो उत्साह था सर और बढ़ गया। और सर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं अपने जिले का पहला व्यक्ति हूँ जो हॉट सीट पर आया हूँ। और ऐसे बहुत बहुत बधाई आपको सर। और सर यही नहीं सर, मैं पहला आदिवासी प्रतिभागी हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा बंटी जी, सबसे पहले तो हमको खेल के नियम जो है बताने पड़ते हैं। नियम तो आपको मालूम ही है। यस सर। 3 लाइफलाइन जो है उनके बारे में बता दूं। ओके। ऑडियंस पोल पहली लाइफलाइन है, दूसरी है
वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डी. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स प्ले फ्रॉम बरेगा करोड़पति. हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ बंटी जी. धन्यवाद. तैयार हो जाइए. पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा जानवर मुख्य रूप से मांसाहारी है? यस सर. विच ऑफ दीज एनिमल्स इज प्राइमरली अ कार्निवोर? ए एलिफेंट हाथी, बी डियर हिरण, सी टाइगर बाघ या डी नीलगाय. नीलगाय सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी टाइगर. सी टाइगर के कहने ताला लगा दिया जाए. यस सर. बिल्कुल सही जवाब दिया. 1000 जीत गया. दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने 2000 रुपए. दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने बंटी जी. फुटबॉल के बारे में 2024 की किस फिल्म में अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभाई? यस सर. अजय देवगन प्लेज द रोल ऑफ सैयद अब्दुल रहीम इन विच 2024 फिल्म अबाउट फुटबॉल? यस सर. ऑप्शन देखिए ए शैतान, बी भुज, सी दृश्यम या डी मैदान. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मैदान. डी मैदान के लिए कह रहे हैं ताला लगाने. yes, के लिए लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. सैयद अब्दुल रहीम जो थे वो भारतीय फुटबॉल टीम के सबसे बेहतरीन कोचेज में से एक थे. यस सर. यस सर. और उनके नेतृत्व में हमने कई अच्छी टीमों को yes, हरा कर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक yes, भी जीता हुआ है. जी सर. अभी इसको मैं देख नहीं पाया सर. अभी जो क्या कहते हैं जो टाकीज होती ना सर, सर अभी हम जान नहीं पाए कि वो टाकीज में जो फिल्में दिखते कैसे. अभी मोबाइल में देखे हैं सर. कई कारण है सर. टाकीज में हम अकेला तो जा नहीं सकते हैं सर. कोई तो होना चाहिए ना बाजू में. सर एक बात बताना चाहूंगा. हाँ. सर अजय सर जो है ना सर मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर है. सर अजय सर की एक और बात पसंद है मुझे सर. वो जब शांत बैठे हैं तो ऐसा लगता है बहुत ही शांत स्वभाव के है, लेकिन जैसे वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि हजारों दिल को एक खुशी मिल गई, एक मतलब हजारों दिल जीत गए ऐसा लगता है. बिल्कुल सही कहा. यस सर. बहुत शांत स्वभाव के हैं वो. यस सर. लेकिन सर आपसे जानना चाहूंगा ऐसे अजय सर है कैसे? भाई साहब बता दें आपको, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो एकदम पटक देंगे वो. यस हाँ, जबरदस्त वो खिलाड़ी है. यस सर. और डंडी जी आगे चलते हैं खेल में. यस सर. अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न. इसका मूल्य है 3000 रुपए. तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. जब कोई तपस्वी बन जाता है तो उसके बालों को मुड़े हुए गुच्छे में बांधने के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ दीज टर्म्स इज यूज्ड फॉर द ट्विस्टेड मैस वंस हेयर इज वॉर्न इन व्हेन वन बिकम्स अ तपस्वी. ऑप्शन देखिए ए जटा, बी कमंडल, सी रुद्राक्ष, डी शंख. सर प्लीज लोग ऑप्शन ए जटा. ये जटा को कहने ताला लगाने के लिए लगा दीजिए. बिल्कुल सही जवाब. तो मान्यवर इतना बता दें कि आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल से. यस. ठीक है. ऑलराइट भाई साहब चलिए आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न आ रहा है. yes. इसका मूल्य है 5000 रुपए. yes. चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा. इनमें से किस व्यवसाय के लोग C++, जावा या HTML जैसी भाषाओं में काम करते हैं? yes, sir. People in which of these occupations work with languages like C++, जावा और HTML? yes, sir. ऑप्शन देखिए ए पेंटर, बी कोडर, सी लॉयर या डी कैब ड्राइवर. चित्रकार, कोडर, वकील या टैक्सी चालक. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कोडर. बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लगा दिया जाए. यस सर. बिल्कुल सही जवाब. यस सर. कोडर. सर एक बात बताना चाहूंगा. हाँ. सर ये सब ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस है सर. मैंने ग्रेजुएशन जो किया है, मैंने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ओके ओके. वहाँ से आपको ज्ञान था इसका? हाँ ये सर ज्ञान था इस बारे में. हम तो आज तक नहीं समझ पाए ये कोडर क्या है. यस सर. ये सब लेकिन आज सुनने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कोडिंग करते रहते हैं. हाँ, ये सर. सही कह रहा हूँ? हाँ.
सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ। सर मुझे हॉट सीट पर देखने के लिए पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो सर मेरे घर वाले घर के जो सदस्य है और गांव वाले है सर उनको थोड़ा सा हाथ बता दीजिए। थोड़ा सा कैसे होता है? मतलब तो जितने भी बंटी जी के गांव के निवासी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर, ताकि ये यहाँ पर ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं, नाम कमाएं, न केवल अपना बल्कि आप सब लोगों का जो गांव पे है। अब भाई साहब निराश मत कीजिएगा, इतना सारा बोल दिया आपके बारे में। यस सर, नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलराइट भाई साहब, आ गया है पांचवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। यस सर। 10,000 रुपए इसका मूल्य है, पार कर जाइए इसे। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक टोकरे में 2 दर्जन सेब है और 10 निकाल दिए जाए तो अंदर कितने बचेंगे? If there are 2 dozen apples in a crate and 10 are taken out, how many will remain inside? Options hain aapke samne: A 10, B 16, C 18, D 14. 10, 16, 18, 14. Baraduni chubis. Sir, please log option D. 14 पे लगाएं? यस सर। टी 14 कह रहे हैं तो लगा जाए। ये सही जवाब है आपका निकला। बहुत समय लगा दिया आपने सोचने में। 2 दर्जन का मतलब 24? हाँ सर। 24 में से 10 निकाल दो, 14। क्या ढूंढ रहे थे आप वहां पर? कुछ हमको लगा कि समय लगा रहे हैं। ऑलराइट। यस। आ गया भाई साहब। ये संकेत है सुपर सवाल का। यस सर। है सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी है, तो कंप्यूटर जी सुपर सवाल को पेश किया जाए। रतन, जहांगीर और जमशेद जी उन लोगों के पहले नाम हैं जो किस व्यापारिक समूह के अध्यक्ष रहे? यस सर। रतन, जहांगीर एंड जमशेद जी are the first names of people who have served as the chairperson of which business group? Okay. Sir, ये तीनों जो है सर टाटा समूह के। टाटा। आपका उत्तर क्या है? यही है। यस सर, टाटा। मान्यवर, टाटा को ताला लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बधाई बधाई बधाई। रतन टाटा, जहांगीर टाटा, जमशेद जी टाटा, ये टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे हैं। यस सर। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जीत लिया है सुपर सवाल। ओके। और आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति, सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। सर इजा जैसे तो एक बात कहना चाहता हूँ मैं, तो सर मैं आपके सामने हॉटसेट पर बैठा हूँ सर, तो सर इसके पीछे एक संघर्ष है छोटा सा सर। उस ऑडिशन का जो दिन था सर वो याद आ रहा है। एक दोस्त है हमारा बचपन का सर, उसके साथ हम 400-500 का व्यवस्था किए थे सर, उसके साथ आए थे सर, और ईटारसी से लेकर सर मुंबई तक सर हम एक पैर पे खड़े होके आए थे सर। और सर ये जो सफ़र है 12 घंटे लग गए थे सर, यानी कि हम मॉर्निंग में मतलब 3-4 बजे बैठे थे, तो सर दिन के दूसरे दिन मतलब 3-4 बजे पहुँचे। और सर जो एक पैर पर हम खड़ा होके आए थे सर वो एक तपस्या के रूप में था, और वो आज पूरा हो चुका है। और सर यस सर, बहुत ही कठिन वाला काम होता है सर। हाँ, खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सर, मुश्किल काम है। और सर, और ये आप कह रहे हैं कि ये आपकी तपस्या थी? हाँ सर, ये तपस्या थी और आज पूरी हो चुकी है। और सर आपके द्वारा मेरा नाम सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाहे, आप यहाँ पर गर्म कुर्सी पर बैठे हैं, इसके लिए आपका तो नाम लेना ही पड़ेगा ना। यस सर। हमारे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जीत करके आ गए यहाँ।
बंटी जी, यस सर, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। यस सर। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी ऑडियंस है और दर्शक उस वीडियो को देखें। यस सर। ठीक है, दिखाया जाए भाई। आदिवासियों का मतलब है हम बहुत ही दादा परदादाओं के समय से हम जंगल में रहते हैं, वो अपने आप में आदिवासी कहलाते हैं। मेरा नाम बंटी वाड़ीवा है, मैं खुद आदिवासी हूँ। पिताजी दादा परदादा के जमाने से मतलब खेती किसानी का काम करते हैं वो। यहाँ के अधिकतर आदिवासी जो है अपने बच्चों को खेतों में काम कराना थोड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए आगे तक नहीं पढ़ा पाते हैं। हमारा माता पिता ने स्कूल नहीं भेजा ना सर, इसलिए मैं थोड़ा अंगूठा छाप रह गई सर, अब क्या करें सर। हम भलाई मजदूरी कर लिया, भलाई हम इतना खेती बाड़ी मेहनत कर लिया, लेकिन मेरा बेटा नहीं करेगा मजदूरी। हम उसको छोटे से हमने पढ़ाया, जैसा तैसा गरीबी हिसाब से यहाँ वहाँ मजदूरी कर कुरा के अपना खर्चा पानी चलाया, जो भी किया, और उसको धीरे धीरे हमने लिखाया पढ़ाया। पढ़ाई की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का मैंने सामना किया है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो, तो इन समस्याओं को देखते हुए भी मैंने पढ़ाई को मैंने जारी रखा और मैंने 12वीं के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। परिवार में कोई भी पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे सही मार्गदर्शन और सही सलाह नहीं मिल पाया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके वजह से हमने जो डिसीजन थे, कई सारे डिसीजन थे जो ठीक समय से नहीं ले पाए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सही डिसीजन अगर आज लेते तो आज समय पे मतलब जो शिक्षा जो पूर्ण करके जॉब में पा लेते। अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आने का मौका मिला है कि मैं आगे बढ़ सकूं। कौन बनेगा करोड़पति जिंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर बंटी जी, yes. और उनकी जब हम व्यथा देखते हैं इस तरह, हमको बड़ा दुख होता है, कष्ट भी होता है, yes. और मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी जनता है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इन सबको देख करके कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता है, yes, sir. कि आपको इतना सारा कष्ट उठाना पड़ा अपने आप को शिक्षित करने के लिए। और बाबूजी आपके बोल रहे थे कि खाने पीने के लिए किसी न किसी तरह कमाई करके हम लोग इनको बड़ा किए हैं। यस सर। सर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और सर फाइनेंशियल जो पैसे की कमाई के लिए कई बार पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ता है मम्मी पापा को, क्योंकि सर महीने की जो कमाई होती है लगभग 8-9 हज़ार के आसपास होती है। सर कई बार क्या होता है, फसल बो देते हैं, फसल बोने के बाद बाहर चले जाते काम पे, क्योंकि कि सर पढ़ाई में भी पैसे लगते हैं और उसके बाद छोटी बहन है उसको भी पैसे लगते हैं, तो सर ये सब करना पड़ता है। और सर कई बार जो है मुझे जब पैसे की ज़रूरत पड़ी पढ़ाई के दौरान, जब ग्रेजुएशन में कम्प्लीट कर रहा था सर, सर मैं मजबूरी के चक्कर में मैं जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएशन किया जैसे तैसे, तो सर जो सालाना 11 हज़ार लग रहा था वो पेरेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा फीस था, तो सर उन्होंने बिना सवाल किए मतलब पैसों की व्यवस्था किया और सर उन्होंने मतलब आगे तक पढ़ाया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। यस सर। पैसों की व्यवस्था की उन्होंने। यस सर। और एक बात कहना चाहूँगा सर, सर गांव के कई लोग होते हैं जो जैसे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सर उनका मानना ये है कि बोले ये अपने गरीब लोगों के लिए नहीं बना, बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जैसे कि KBC जैसा कुछ प्लेटफार्म, इसके और कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और सर एक और बात सर, मुझे जो उस समय मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था, अभी जो हम एज चल जी, रहा आप है कह रहे थे अभी, जी। तो सर मेरा जो गाँव के जितने भी सारे लोग हैं जो मेरे उम्र के हैं या मेरे से जो कम उम्र के हैं, जो सोचते हैं कि अपने लिए ये सब कुछ नहीं बना है, तो सर उनके लिए मेरा ये संदेश है
कि सब कुछ अपने लिए बना है, बस मेहनत करने की जरूरत होती है, वो अपने आप वो मिल जाती है। वाह, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपको यहां देख करके आपके गांव के जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के जितने लोग हैं, प्रसन्न तो होंगे ही, लेकिन उनको एक अवसर दिखेगा कि उनमें से कोई एक कभी भी खड़ा होकर के अपने आप को शिक्षित करके यहाँ हॉट सीट तक आ सकता है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ी एक उदाहरण बन गए हैं आप अपने गांव के लिए। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट मंडी जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। और जैसा कि हमने बताया, अब आपके पास एक सुपर शक्ति है जिसका नाम है दुगनास्त्र। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है? Which of these states does not share a border with Rajasthan? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। इनमें से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चित्र विकल्प ए लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर हो गया आपका, बधाई। ये जो है वो महाराष्ट्र है। यस सर। बी गुजरात, सी हरियाणा और डी पंजाब। बिल्कुल सही जवाब। यस सर। 20,000 रुपए आ गए आपके। आगे चलते हैं। आपके सामने हम रखेंगे सातवां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। यस। तैयार हो जाइए। रेडी। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस आईपीएल टीम की 2024 की जर्सी का मुख्य रंग वही है जो लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी गई टोपी का होता है? Which IPL team's 2024 jersey prominently features the same color as that of the cap given to the league's highest run scorer? समय निकल गया है। ग्रास का समय समाप्त हो गया। ऑप्शंस आ गए। ए मुंबई इंडियंस, बी सनराइजर्स हैदराबाद, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी दिल्ली कैपिटल्स। सर, रन बनाने वाले खिलाड़ियों को ऑरेंज कैप दिया जाता है। सर, मुंबई होगा नहीं, दिल्ली भी नहीं होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे तो ये येलो में है। तो सर, ऑरेंज के अनुसार इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, सनराइजर्स हैदराबाद, लॉक कर दिया जाए। सनराइजर्स हैदराबाद। यस सर। बी पे कहना था लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका भाई। ऑरेंज कैप। यस सर। जिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी का प्रमुख रंग जो है। यस सर, ऑरेंज है। आगे है अगला प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। yes, है ये आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या वो स्थल है जहां बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में युद्ध हुआ था? Which of these was the site of a 1527 battle between the forces of Babur and Rana Sangha? उपन्यास का समय समाप्त हो गया। ऑप्शन आ गए। ए चांदेरी, बी पानीपत, सी खानवा, या डी सियालकोट। पानीपत का युद्ध 1526। सर, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होना चाहिए। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, खानवा। ऑप्शन सी खानवा कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
इज द राइट आंसर। बाबर को भारत में पैर जमाने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े थे। यस सर। इसमें से एक खानवा का युद्ध था। राणा सांगा उस समय उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राजा थी। बहुत खूब मान्यवर, 8 प्रश्न हो गए हैं। 80,000 रुपये मान्यवर आपने जीत लिए हैं। ये 80,000 रुपये का महत्व आप समझ सकते हैं, और इसीलिए आपने पीछे मुड़ के पिताश्री को देखा। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा मैं। सर पापा के नाम पे जो है कुएं हम बोरवेल करवाए थे, तो सर 80,000 रुपये का लोन है उसके नाम पर, तो सर ये जो छोटी सी जिम्मेदारी थी सर मैंने पूरा कर दिया है। और सर ये जो 80,000 है सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में, एक कर्ज के रूप में एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हम चाहेंगे मान्यवर के आप यहाँ से और भी ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और कितने साधारण तरीके से आप अपनी दुविधा को हमारे सामने रखते हैं। यस सर, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन जिन हालातों से आप गुजरते हैं और गुजर रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझते हैं, और ईश्वर करे कि आपको कभी भी इस तरह की जो दुविधाएं हैं आपके जीवन में कभी उसका सामना न करना पड़े। यहाँ से हम चाहेंगे कि आप और भी धनराशि लेकर के जाएं। आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, और देखिए अब 2 प्रश्न केवल रह गए दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ठीक है, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद इनमें से कौन तीर्थ यात्रा पर चले गए थे? आपने बजर बट्टू दबा दिया है। यस सर, दबा दिया। तो हम बताना चाह रहे हैं देवियों संजों की दुग्नास्त्र प्रयोग करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आफ्टर फेलिंग इन हिज अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द कुरुक्षेत्र वॉर, हु अमंग दीज वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए विदुर, बी जयद्रथ, सी कृपाचार्य, या डी पांडु। सर जयद्रथ ने तो ऑलरेडी युद्ध किया था, और पांडु जो थे वो युद्ध होने से बहुत पहले वो चले गए थे, कृपाचार्य ऑलरेडी वो युद्ध में भाग लिए थे, तो सर ये इसका उत्तर विदुर होना चाहिए। सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 1,60,000, और साथ में 1,60,000 बोनस। अगर आपको कष्ट हो रहा उत्तर देने में तो अब आप लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुगनास की शक्ति जो है वो चली जाएगी। खेल आपका जारी रहेगा। सर बी और डी तो होंगे ही नहीं, ए सी में कंफ्यूजन है। कृपाचार्य जी जो थे, कृपाचार्य ये आखिरी तक युद्ध में शामिल थे, विदुर होना चाहिए उत्तर। उत्तर तो यही लग रहा है विदुर, क्योंकि शामिल नहीं थे वो युद्ध में, काफी सारे योद्धा थे जो शामिल नहीं थे, जैसे कि विदुर हुआ, उसके बाद बलराम वगैरह ये शामिल नहीं थे उस समय। विकल्प के अनुसार तो यही उत्तर होना चाहिए सर, मैं ऑप्शन ए विदुर को लॉक करना चाहूंगा। बहुत सोच समझ के बाद कह रहे हैं यस सर, ए विदुर। ताला लगाया जाए। और जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब आपका।
1,60,000 तो आप जीत गए हैं, साथ में दुगना दुगनी राशि आपको मिलेगी 1,60,000 रुपए की। ये है एक बोनस आपके नाम की, और ये 1,60,000 का जो बोनस है आपको अभी इसी वक्त, ये है डिजिटल ऐप है, कंपनी गाड़ी का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000, 1, 2, 3, 4 ये छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और मान्यवर 1,60,000 आपके बैंक में गया, ये डिजिटली ट्रांसफर हुआ है। भाई साहब कहाँ 80,000 की बात हो रही थी, अब न केवल 1,60,000 है यस सर, बल्कि 1,60,000 और यस सर। सर एक बात कहना चाहूँगा, अभी सर मेरे अकाउंट में लगभग 260 ऐसा कुछ रुपये हैं, लेकिन अब 1,60,000 हो चुके हैं, लेकिन अब लखपति बन गए। आपके पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा, यस भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? सर जी नमस्ते, अच्छे लग रहे हैं सर जी। हमने कुछ नहीं किया, हमको मत कीजिए ना सर, ये आपके सुपुत्र ने किया है जी, जी। आपने सेवा की है जी सर, बहुत और मुसामत किया, न जाने कैसे आपने जो भी कठिनाइयां उठाई, बहुत कठिनाई आपने पैसे जमा किए ताकि ये शिक्षित हो सके, और आज देखिए जी ये आपके सामने इतनी सारी धनराशि लेकर के जाएंगे जी, 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 जो इन्होंने कहा कि इन्होंने कभी अपने बैंक में देखा नहीं, 260 रुपया था इनके पास, अब ये लाखों में बात कर रहे हैं जी सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को और बंटी जी को। ऑलराइट, ये है संकेत जहां का, हमारे देश के सवाल का, यस तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी सी द मैप प्लीज। ये गाड़ी चल पड़ी है और गई है राजस्थान। जय जिनेन्द्र अमित जी, मेरा नाम लतिका मोहनोत, मैं सूर्य नगरी नाम से मशहूर जोधपुर शहर से हूँ। मेरा सवाल है, इनमें से कौन सी संस्थान जोधपुर शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NDA, ऑप्शन बी IIM, ऑप्शन सी IISER, ऑप्शन डी AIIMS। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए किसने जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 20, 20, 20। वाह क्या बात है, वाह, वेल डन देवी जी, आपका शुभ नाम। सर मेरा नाम इंदु गुप्ता है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। उत्तर क्या था ये बताइए सही? सर डी AIIMS। AIIMS इज द राइट आंसर। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, हम देना चाहेंगे आपको। नौ प्रश्नों का उत्तर हो गया आपका, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि ये इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों ये मौका जो है ये आपको एक ही बार मिलेगा। अब आएगा आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। बहुत ध्यान से खेले हैं आप, सोच समझकर, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। अब आएगा 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स पुस्तक किस भारतीय वैज्ञानिक ने लिखी है? Which Indian scientist wrote the book The Nervous Mechanism of Plants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए सत्येंद्रनाथ बोस, बी जगदीश चंद्र बोस, सी PC महालनोबिस, या डी प्रोफेसर बीरबल साहनी। सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, PC महालनोबिस, डी प्रोफेसर बीरबल साहनी।
मैकनेज। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस अब अपने वोटिंग मीटर उठाइए और पंडित जी की सहायता कीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी जगदीश चंद बोस को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। सर मैं सी को मिला है 36 और 12 मिला है डी, 2% दिया है ए को। सर मैं जनता जनार्दन के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन बी जगदीश चंद बोस लॉक कर दिया जाए। बी जगदीश चंद बोस को कह रहा है, बी पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। जनता ने आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए। जगदीश चंद्र बोस अपने समय से आगे के वैज्ञानिक थे, उन्हें 2 प्रमुख बातों के लिए याद किया जाता है। सिग्नल के वायरलेस ट्रांसमिशन और पौधों की फिजियोलॉजी पर उनके काम के लिए। और कितना कठिन प्रश्न था, जनता ने एकदम इसका सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आप सबको। वाह। और माननीय सबसे पहले तो आ रहा है एक चेक, आपके नाम लिखना पड़ेगा 3,20,000 रुपए का। चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर ये जो कमाई है ये अपने मम्मी और पापा के आशीर्वाद से है, मेरे ज्ञान से है, तो सर ये चेक जो है आप अपने हाथों से मेरे पापा जी को देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ अवश्य हम देंगे, क्यों नहीं। आइए भाई साहब, ये आपके बेटे की कमाई है और ये आपने जो संघर्ष किया उसकी वजह से, बहुत बहुत बधाई आपको। एक पिता के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। यस सर। कि आज अपने पुत्र के नाम से उनको बधाई मिल रही है। यस सर। और उनका नाम हो रहा है। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं अब समय आ गया है सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। यस सर। प्रश्न हिंदी में पढूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ऑलराइट। तो चलिए खेला जाए सुपर संदूक। पंडित जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। रेडी, आपका समय शुरू होता है अब। शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम पूरा करें, रब ने बना दी डैश। ए लाइफ, बी जोड़ी, सी मिठाई, डी जीत। ऑप्शन बी जोड़ी। जोड़ी करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या मेंढकों का मुख्य आहार है? कीड़े, बाज, शार्क, एमू। ऑप्शन ए कीड़े। करेक्ट। नेक्स्ट, विव रिचर्ड्स और कर्टली एम्ब्रोस ने किस टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है? ऑस्ट्रेलिया। सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल सबसे पश्चिम में स्थित है? इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार। सर गेटवे ऑफ इंडिया। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 के विपरीत है? धोखेबाज, मक्कार, सत्यवादी, पाखंडी। डी सत्यवादी। करेक्ट। नेक्स्ट, महाबलेश्वर किस राज्य में एक पर्वतीय स्थल है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सी महाराष्ट्र। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या भारतीय केंद्र सरकार में एक मंत्रालय नहीं है? ऑप्शन बी रंग। रंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड के उपन्यास द ब्लू डैश का नाम कौन सा शब्द पूरा करता है? ए बैग, बी अम्ब्रेला, सी बुक, डी बॉटल। ऑप्शन बी अम्ब्रेला। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसने सबसे अंत में भारत पर शासन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए लॉर्ड बेटन। है ऑप्शन ए लॉर्ड बेटन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर समय समाप्त हो गया भाई साहब, इसका उत्तर आप नहीं दे पाए। बहरहाल आपको बता दें कि इन्होंने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 80,000 रुपए जीत गया है। बार बार ये 80,000 रुपए जो है ये आपके जीवन में आते रहते हैं। यस सर। है कि नहीं? यस सर। ओके। मान्यवर जहां आपने पास किया था
Yes, sir. वो बता दें, विव रिचर्ड्स और कर्टली एम्ब्रोस ने किस टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला? वेस्ट इंडीज के लिए। एक जगह शायद पूरा नहीं हुआ था। आप दे नहीं पाया मैं जवाब। हाँ जी, टाइम खत्म हो गया, वो पूरा नहीं हुआ था, वो समय पूरा हो गया था। ओके, अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि 80,000 आप बैंक में डालना चाहेंगे या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे। सर मैं लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा, ऑडियंस पोल वाला। ओके, यस सर। और गंभीर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट बंटी जी, अब आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। यस सर। खेल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, समय की जो टिकटिकी जी है ये शांत हो गई। आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए समय है उत्तर देने के लिए। ओके, बहुत सारी चीजें आपको मिल गई और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं और 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 6,40,000 का। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा किस राज्य के 12 में से 11 जिलों के नामों में खासी, गारो या जयंतिया शब्द आता है? द नेम्स खासी, गारो और जयंतिया अपियर इन द नेम्स ऑफ 11 ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। खेलिएगा जरूर, गलत हो गया तो कुछ हारेंगे नहीं, 3-20 आप जीत रहे हैं। किस राज्य के 12 में से 11 जिलों के नामों में खासी, गारो, जयंतिया शब्द? सर ये मेघालय राज्य है, यहाँ पे पहाड़ियों के नाम भी है। जहाँ तक मुझे याद है किस नाम की वहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती है। मेघालय उत्तर होना चाहिए, लेकिन 12 में से 11 जिलों के नामों में, 12 में से 11 जिलों के नामों में किस राज्य के 12 में से 11 जिलों के नाम, मेघालय उत्तर होना चाहिए। किस राज्य के 12 में से 11 जिलों के नामों में खासी, गारो और जयंतिया सब आता है? कहने का मतलब है कि 11 जिलों में ये पहाड़ियाँ फैली होंगी या 11 जिलों में जनजातियाँ भी निवास करती होंगी। उत्तर सी होना चाहिए, मेघालय, बहुत अच्छे से पढ़े हैं इसके बारे में। और भूगोल इतिहास थोड़ा सा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, मेघालय होना चाहिए इसका उत्तर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मेघालय। बहुत सोच समझ के ऊपर नीचे जाने के बाद इन्होंने कहा सी मेघालय पे ताल लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? सर मेघालय में ये पहाड़ियों के नाम भी है, मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी है। और पहाड़ियों की बात नहीं हो रही थी, राज्य में 12 के जिलों के नाम। लेकिन सर बाकी 3 राज्यों में इस प्रकार के ना ही कुछ शब्द सुने हैं और ना ही कोई ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया, लेकिन मेघालय में बहुत सुनने को आया है, जनजातियाँ वगैरह है, पहाड़ियाँ वगैरह, तो ये मुझे लगा कि ये डेफिनेटली होना चाहिए। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह 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 वाह, वेल प्लेड सर। आप देख रहे हैं जनता कितनी खुश है आपसे, इधर उधर सब जगह खड़े रह जाते हैं। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ मेघालय के एक बड़े हिस्से में स्थित हैं। केवल एक जिला जिसमें ये तीनों शब्द नहीं आते हैं वो है रीभोई। यस सर, रीभोई नाम है। हाँ। नहीं आता। वाह क्या बात है भानवर। और जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां आप जाना चाहते हैं सरकार में काम करने के लिए, यस सर, मुझे लगता है ये सब ज्ञान जो है आपने वहीं से प्राप्त किया है। यस सर। ऑलराइट,
मान्यवर 6,40,000 हो गए। फिर चेतावनी दूंगा आपको, 12वां प्रश्न आ रहा है, 12,50,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन जीवित है, ध्यान से खेलिएगा तो आप धीरे धीरे और भी आगे बढ़ सकते हैं। कहीं भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, संदेह है आपके मन में, लाइफलाइन इस्तेमाल। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आपको सेंट सोफिया कैथेड्रल किस शहर में मिलेगा जिसे यूएनेस्को ने 2023 में अपनी खतरे में सूची में शामिल किया है? विच सिटी इज होम टू द सेंट सोफिया कैथेड्रल दैट वॉज एडेड बाय यूनेस्को टू इट्स इन डेंजर लिस्ट इन द ईयर 2023? ऑप्शन देखती है, ए कीव, बी जेरूसलम, सी गाजा, डी बगदाद। सेंट सोफिया कैथेड्रल, सेंट सोफिया कैथेड्रल यूनेस्को ने 2023 में अपनी खतरे में शामिल किया गया। सर इस प्रश्न के बारे में या कहीं कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था, मैं मैंने पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहें उसका आप उपयोग कर सकते हैं। चारों के चारों विकल्प में कंफ्यूजन है। 2023 का करंट अफेयर्स है। सर मैं इस प्रश्न के लिए ऑडियंस पोल लाइफलाइन उपयोग करना चाहूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट कमिटी महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है उसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। कीव ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%, 33 मिला है बी को, और सी और डी को मिला है 6 और 7। क्या कीजिएगा? सर मैं जनता के साथ जानना चाहूंगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए कीव को लॉक कर दिया जाए। ए कीव को तल लगाया जाए। यस, वेल प्लेड, क्या बात है, वाह वाह वाह, वेल डन ऑडियंस, वेल डन। कैथेड्रल 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे यूक्रेन के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यस सर। कीव के शासकों को यहां दफनाया गया है। यस सर। वाह क्या बात है ऑडियंस, अद्भुत खेल खेल रहे हैं। आपने कहा था कि आप एक उदाहरण बनना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने गांव के। इतने सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं भाई साहब। यस सर। मैं आपको एक और बात बता दूं, 20-22 साल से हम इस खेल को कर रहे हैं, बहुत कम हमने देखा है कि करोड़पति तो छोड़िए, उससे पहले के प्रश्नों का अगर सही उत्तर होता है तो जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया है। ये हमने पहली बार देखा। थैंक यू सो मच सर, रियली बहुत बहुत बधाई आपको। ये जनता जो है ये मान्यता दे रही है आपके ज्ञान का, कि आपका ज्ञान इतना सक्षम है। धन्यवाद। कि जहां से भी आप आते हैं, आप अपने आप को आदिवासी कहें या कमजोर कहें या छोटा कहें, कोई ऐसी बात नहीं है सर। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके लिए पूरी जनता जो है खड़े होकर के सलामी देती है आपको। सर एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी सर, आपने एक बात कही थी कि आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं। हाँ, गांव के लिए। तो सर मैं जिस उम्र में अभी पहुंचा हूँ सर, उस उम्र में कई लोग बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सर मेरे लाइफ में ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, ऐसा कोई सलाह देने वाला नहीं मिला, क्योंकि सर मेरे परिवार में शिक्षा के महत्व को बहुत
समझते नहीं थे कुल मिला के। जैसे बच्चे बड़े हुए, दादा परदादा मेरे पेरेंट्स को काम पे लगा दिए, खेती बाड़ी का जो काम था वो लगा दिए, तो सर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो मेरे से जो छोटे उम्र वाले हैं या जो भी है सर, मैं उनके लिए कुल मिला के जो चीज़ मैं मुझे नहीं मिल पाया, वो रोल मॉडल मैं उनके लिए बनना चाहता हूँ। और सर ये जो जीत है, जो ज्ञान के माध्यम से जो भी जीत रहा हूँ सर, ये जीत जो है पूरे गांव के लिए जीत है। अगर हारता हूँ तो पूरे गांव के लिए हार होगी सर, लेकिन सर मैं हारने के लिए नहीं आया, मैं जीतने के लिए आया। उदाहरण आप बन चुके हैं भाई साहब, आप कह रहे थे बनना चाहूंगा मैं, लेकिन आप बन चुके हैं। धन्यवाद। और खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए, आएगा 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए, और 2 लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजात शत्रु जो 2000 वर्षों से भी पहले जीवित थे, किस वंश के सदस्य थे? किंग बिंबिसार एंड हिज सन अजात शत्रु हु लिव्ड मोर देन 2000 इयर्स अगो वर मेंबर्स ऑफ विच डिनेस्टी? ऑप्शंस ए कण्व, बी शुंग, सी नंद, डी हरियक। ये 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए यदि सही हो गया तो आपको मिलेंगे। 2 लाइफलाइन है, अगर आपको इसका उत्तर ना मालूम हो तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। गेस वर्क आमतौर पर यहां चलता नहीं है, या तो आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही आप आगे खेलें। किसी भी समय आप चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं, आप 12,50,000 रुपए जीतेंगे। सर इस प्रश्न के बारे में मैंने पढ़ा था, ये हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। बिंबिसार आता है, अजात शत्रु आता है, उसके बाद उदयन वगैरह भी सर आगे पीछे आते हैं। सुंगी वंश के संस्थापक वो पुष्यमित्र सुंग वगैरह आते हैं, नंदे वंश के महापद्मानंद, उसके बाद वो मौर्य वंश आता है आगे, कर्ण वंश के वासुदेव वगैरह आते हैं। हरियक वंश होना चाहिए, हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, राजात शत्रु। डी 100% लग रहा है। हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार, सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग आते हैं, नंद वंश के महापद्मानंद आते हैं, नंद वंश में गणानंद भी आता है, हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार। कुछ अनुमान है आपके मन में? ये सर है। ओके, हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार, एक बिंदुसार नाम का भी आता है, बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार तो मौर्य वंश का होना चाहिए। बिंबिसार, बिंदुसार, बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बिंदुसार थे। राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजात शत्रु 2000 वर्षों से भी पहले जीवित थे, किस वंश के थे? यस, हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन डी हरियक वंश। हरियक? यस सर। क्या करना चाहिए? लॉक कर दिया जाए। अंतिम निर्णय है इनका डी। यस सर, हरियक पे ताला लगाया जाए। सर गलत हो गया,
क्या बताया सर आपके बारे में? इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। Unbelievable. बिंबिसार ने हरियक राजवंश स्थापना 6वीं शताब्दी BCE के आसपास मगध में की थी। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध करके सिंहासन पर कब्जा किया था और हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। यस सर। मान्यवर अद्भुत हैं आप इंसान। यस सर। कहाँ कहाँ से खोज के निकाल रहे हैं आप उत्तर और वो सब सही बैठ रहा है। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा। सर मैं 2017 से मतलब 17 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर, मैं स्टेट लेवल में जो आयोजित होती है PSC, जी हाँ, मध्य प्रदेश PSC, सर उसके लिए मैं हर साल फॉर्म भरता हूँ, लेकिन सर प्री नहीं निकल पाया आज तक। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्री के हिसाब से अभी तैयारी बहुत अधूरी है, और पढ़ना चाहिए, लेकिन सर अब जैसे हॉट सीट पर आया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ज्ञान तो है थोड़ा बहुत। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपके पास अभी भी दो लाइफलाइन बची हुई है। यस सर। बहुत कम होता है कि इस स्तर पर आकर के हमारे जो कंटेस्टेंट उनके पास दो लाइफलाइन बची हुई। बंटी वड़िवा जी। यस। 14वां प्रश्न, 50,00,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? ब्रिक्स मेड ऑफ विच ऑफ दीज मटीरियल्स वर कॉमनली यूज्ड एज करेंसी अंटिल द 19th सेंचुरी इन चाइना एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम यानी इलायची, बी टी चाय, सी सैफरन केसर, या डी क्लोव लौंग। समय ही समय है आपके पास, दो लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप, ये दो लाइफलाइन। किसी समय आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं सदी 1800 का समय है। 1800 चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते थे। केसर तो उत्तर नहीं होना चाहिए, चाय पत्ती हो सकता है शायद, चाय पत्ती सर केसर एक प्रकार की मसाला है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि ईंटें शायद बनाई जा सकती है या बनाई गई थी, ऐसा लग नहीं रहा है केसर। सर हमको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। ईंटें की सामग्री से बनी ईंटें मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। केसर ईंटें बनाई गई थी, चीन में चाय, वैसे चाय का उत्पादन काफी होता था पहले और अभी भी लगभग हो रहा है, शायद चाय के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, हालांकि भारत भी है। अब एशिया जो है, एशिया में चाइना तो आता ही है, भारत भी आता है, तो चीन की बात बोली गई है, एशिया में चीन है, चाय होना चाहिए। सर
सर बी वाला उत्तर चाय लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सर मैं इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन उपयोग करना चाहूँगा। ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय बंटी जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने जो तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं उन्हें, सूरज प्रताप है, जय नागरे हैं और सतीश पवार। यस सर। सर मैं सतीश पवार को, सतीश पवार से, यस सर, सतीश पवार से बात करना चाहूंगा। आपके मित्र हैं? यस सर। और सतीश पवार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सतीश पवार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत जी जी। मान्यवर आपके मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। जी जी। बंटी जी सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल पर है जी, तो अगली आवाज जो है वो बंटी वाडिवा जी की है। जी सर। बंटी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें, इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी लौंग। किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? इलायची, चाय, केसर, लौंग। बंटी जी मैं इस उत्तर को लेकर बहुत श्योर नहीं हूँ, है ना, तो आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। इस प्रश्न के बारे में मुझे उत्तर श्योर नहीं है कोई भी, या किसी एक के तरफ हम जा नहीं सकते, तो इसमें अपना स्वविवेक। समय समाप्त। मान्यवर अब आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची है डबल डिप की। यस सर। यदि आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हों जिनको आपको लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो मैं राय दूंगा कि आप डबल टिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बल पर जाना चाहते हैं और अपनी सोच पे जाना चाहते हैं, तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सर मैंने कंप्यूटर जो मतलब ग्रेजुएशन किया है, 3 साल का कोर्स होता है, मैंने कंप्यूटर से किया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी जी। तो सर आज कंप्यूटर जी बहुत ज्यादा इम्तिहान ले रहा है। सोच लीजिए आप। सर जहां तक मुझे लगता है 70% के लगभग बी ऑप्शन लग रहा है, पर श्योर नहीं हूं। डबल डिप बहुत खतरनाक है, बी या डी पे अगर डबल डिप लिया जाए तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चाय के बारे में कहीं सुना था मैं, लेकिन सुनना अलग बात है, उसको गहराई से पढ़ना अलग बात है। क्या करना चाहेंगे मान्यवर? सर मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ डबल डिप का उपयोग। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर दो चीजें बता दें आपको, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं। यस सर। दूसरा यह है कि अब आपके पास आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। आपका पहला उत्तर क्या है? सर बी चाय। बी चाय पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। परिवार में कोई भी पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे सही मार्गदर्शन और सही सलाह नहीं मिल पाया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई सारे डिसीजन थे जो ठीक समय से नहीं ले पाए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सही डिसीजन अगर आज लेते तो आज समय पे मतलब जो शिक्षा जो पूर्ण करके जॉब में पा लेते। अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आने का मौका मिला है कि मैं आगे बढ़ सकूं।
कौन बनेगा करोड़पति जिंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि हमने कहा था कि डबल डिप जो है उसमें दो अवसर मिलते हैं, ये आपका पहला उत्तर था। दूसरा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका मन शुरू से जा रहा था वहां, कई बार आपको अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए। yes, वाह वाह, बहुत बधाई आपको भाई साहब। चाय जो है वो अधिकतर चीन और एशिया के कुछ अन्य भागों में उगाई जाती थी। yes, sir. और यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसका बहुत ही महत्व था। चाय की एक ईंट का एक स्टैंडर्ड मूल्य होता था और इसे पैसे या अन्य वस्तुओं के बदले में बेचा जा सकता। yes, sir. मंगोलिया जैसे कुछ स्थानों पर सोना और चांदी स्वीकार नहीं किया जाता था। yes, sir. लेकिन चाय जो थी वो स्वीकार की जाती। yes, थी और उसी की बनी ईंटों से व्यापार होता था। जब से आप यहाँ आए हैं, आपकी कहानी सुनकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके परिवार के बारे में जानकर, जिस स्थान से आप आए हैं उन सबको देख करके, ये हमको बड़ा आश्चर्य भी होता है और कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो है हमारे देशवासी जो हैं वो रह रहे हैं। लेकिन बड़ा गर्व होता है इस बात का कि वही देशवासी जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, yes, तो आकर के यहां बैठता है और आज उसे 1 करोड़ रुपए का प्रश्न का सामना करना पड़े। वाह, क्या बात है, वाह वाह। अब क्या बताएं बंटी जी, ये जो अब हम बोलने जा रहे हैं इसके बोलने का अवसर हमको बहुत कम मिलता है। यस सर। लेकिन बोलना तो पड़ेगा। यस सर। आएगा भाई साहब आपके सामने 15वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बंटी जी आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर आपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। इसी तरह आप अगले प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। जान लीजिए कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। yes, और अगर आप चाहें तो किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। yes, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणि कर ने द स्टैग नामक एक कलाकृति के लिए इनमें से क्या जीता था? यस। इन 1948 विच ऑफ दीज डिड द बंगाली स्कल्प्टर चिंतामणि कर विन फॉर एन आर्ट वर्क टाइटल्ड द स्टैग? और आपके सामने विकल्प ये रहे, ए पाइथागोरस प्राइज, बी नोबेल प्राइज, सी ओलंपिक मेडल, या डी ऑस्कर अवार्ड। पाइथागोरस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ओलंपिक पदक, या डी ऑस्कर अवार्ड। सर ओलंपिक पदक की बात की जाए तो सर ये पदक तो उन्हीं को मिलता है जो प्लेयर्स वहाँ पे जाएंगे, चाहे वो रेसलिंग हो और शूटिंग वगैरह हो। सर ये तो मूर्तिकार हैं, अरे मूर्तिकार है और जो द स्टेज को कुछ लिखा है तो ये कोई कलाकृति का नाम है शायद, तो ओलंपिक पदक भला इसको क्यों मिलेगा, मूर्तिकार है ये।
ऑस्कर की बात करेंगे तो ऑस्कर में ऑस्कर जो है फिल्मों से संबंधित बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो ऑस्कर में कुल मिला के फिल्मों की बात की जाती है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस जो साल में एक बार जो सबसे बेस्ट बनता है। नोबल पुरस्कार में सर एक शांति का नोबल पुरस्कार, शांति का नोबल पुरस्कार, मूर्तिकार को शांति का नोबल पुरस्कार मिल सकता है क्या? चिकित्सा का नोबल पुरस्कार मिलता है, ये इसको मिलेगा नहीं, इनको केमिस्ट्री का नहीं मिलेगा, चिकित्सा का नहीं मिलेगा, फिजिक्स का नहीं मिलेगा, शांति का नोबल पुरस्कार मूर्तिकार को शांति का नोबल पुरस्कार उसको दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर समाज सेवा का कार्य किया हो, या कोई राजनेता हो, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये उनको दिया जा सकता है शांति का नोबल पुरस्कार। साहित्य का नोबल पुरस्कार तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ साहित्य की बात नहीं की गई प्रश्न में, साहित्य की बात नहीं की गई प्रश्न में, बात पायथागोरस पर अटक गई है। पायथागोरस का नाम बहुत पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पायथागोरस पढ़ा जरूर था मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर है। वो एक पायथागोरस प्रमेय है जैसे हम संपूर्ण त्रिभुज पे लागू होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन वो पायथागोरस प्रमेय है, लेकिन ये पुरस्कार है। और इस पायथागोरस प्रमेय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुने। मतलब सी और डी तो उत्तर नहीं होने चाहिए, सी डी नहीं, ए और बी में बात अटक गई है। एक करोड़ रुपए का प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास? अगर सही उत्तर हो गया तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, अगर आप आगे न खेलना चाहें तो आप हमसे कह दीजिए, आप क्विट कर सकते हैं, 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। खेल गए और उत्तर हो गया गलत तो मान्यवर आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पे, 46,80,000 रुपये आप हार जाएंगे। yes. सर ये 50 लाख को कमाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग जाते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। यस सर। ना आ रहा हो आपको उत्तर तो आप क्विट कर सकते हैं, 50 लाख आपके पास। कई सारे नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे उनके बारे में मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं था कि कोई मूर्तिकार हो या पेंटर हो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ऑस्कर तो होगा ही नहीं, ओलंपिक पदक भी नहीं होगा, क्योंकि ओलंपिक में खेलों की बात होती है, उसमें खेल खेले जाते हैं। बात पायथागोरस पे बहुत ज़्यादा अटक गई है, दिल वहीं अटक गई है। पायथागोरस पुरस्कार के बारे में पढ़ा नहीं, उत्तर लग भी रहा है। क्या करना चाहेंगे बंटी जी? सर 70% ए पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पढ़े नहीं, बाकी 3 के बारे में पढ़े हैं। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ऑलराइट, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए और ये 50 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, इसमें हम ट्रांसफर नाउ भरेंगे 50 लाख, और ये 50 लाख रुपए अभी के अभी
आपके बैंक अकाउंट में चले गए हैं। अब आपका बैंक अकाउंट जो है 150 लाख है, उसमें 1,60,000 है और उसमें जोड़ दीजिए 260 रुपया जो पहले था। बहुत बहुत बधाई आपको। जी अब भाई साहब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए आप। सर ऑप्शन ए पाइथागोरस पुरस्कार। ये पाइथागोरस प्राइज कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। मान्यवर अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत उत्तर। सही उत्तर है ओलंपिक मेडल। पहले के ओलंपिक खेलों में आर्किटेक्चर और पेंटिंग साहित्य जैसे इवेंट होते थे सर। हाँ, चिंतामणि कर एक बंगाली मूर्तिकार थे जिन्होंने 1948 के ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था। विलायत को रिप्रेजेंट किया था और मूर्तिकारी में एक रजत पदक उन्होंने जीता था। पहले के ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने के लिए एक वर्ल्ड क्लास एथलीट होने की आवश्यकता नहीं थी। और उसमें 1948 में उनको मिला। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। यस धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले। तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। आइए भाई साहब, आइए।